नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशान्या राज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके सामने एक ऐसे सामान्य जानकारी के बारे में बात करूंगी जिसका सामना मुझे हर दिन करना पड़ रहा है। हर दिन मेरे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है। कोई आकर के कहता है कि मैम, मुझे ऐसा लगता है OCD हो गया। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मैं 2-3 दिनों से खांस रहा हूँ और मैंने गूगल में सर्च किया है कि अगर कोरोना होता है तो खांसी जो है वो बढ़ जाती है और उसके साथ मुझे बुखार जैसा भी लगने लग रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं बार बार हाथ धोने लगा हूँ तो मैंने गूगल में पढ़ा है कि ये OCD नामक एक समस्या है और मैं OCD नामक समस्या से ग्रसित हो गया हूँ। तीसरा कोई व्यक्ति आके मुझे कहता है कि मैम, मुझे पानी से डर लगता है और मुझे फोबिया हो ही गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है और आप उस परेशानी के लिए गूगल पे सर्च कर रहे हैं और उन जानकारियों को इतना आत्मसात कर रहे हैं बिना किसी एविडेंस के, बिना जो किसी प्रूफ के, बिना किसी फिजिशियन के, बिना किसी साइकियाट्रिस्ट के दिखाए, और आपके अंदर जो तनाव की स्थिति बढ़ रही है, ये असल में आपके मानसिक अव्यवस्था कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मैलिटी को दर्शाती है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। बेसिकली इसमें यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम इतने ज़्यादा आशंकित हो जाते हैं कि या तो हम लोगों से उसके बारे में पूछने लगते हैं या फिर हम इंटरनेट, चूँकि आजकल इंटरनेट जो है बहुत ही सरल माध्यम है जानकारियों को इकट्ठा करने का, तो जितने फ़ायदे होंगे उसके दुष्परिणाम भी इतने ही होंगे। तो हर चीज़ों को इंटरनेट में खोजना और उन जानकारियों को आत्मसात करना अव्यवस्थित मानसिक दशा को दर्शा रहा है, और जिसके कारण न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चे और जो कि हर आयु वर्ग के लोग हैं, बड़े बूढ़े सभी भी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान हो रहे हैं, और इलाज के बजाय वो इन परेशानियों को और सर्च कर कर के लोगों से पूछ पूछ के बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि असल में ये हेल्थ एंजाइटी और साइबर कॉन्ड्रिया नामक परेशानी के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आप किसी फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट का नहीं बल्कि डॉक्टर गूगल का सहारा लेते हैं अपनी परेशानियों के डायग्नोसिस के लिए, अपनी परेशानियों के ट्रीटमेंट के लिए और अपनी परेशानी के मैनेजमेंट के लिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे जो भी जानकारियाँ होती हैं वो जनरलाइज फॉर्म में होती है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब वो व्यक्ति विशेष नहीं होती है। हो सकता है कि मेरी परेशानियों के जो लक्षण हैं वो कोरोना जैसे हों, लेकिन उसके साथ कई और परेशानियां भी मेरी अपनी हो सकती है, लाइक मेरे लंग्स में दिक्कत हो सकती है या मैं किसी चीज़ से एलर्जिक हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि खांसी है तो कोरोना है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ तो ये OCD है। हो सकता है थोड़े समय के लिए मैं किसी और बात से परेशान हूँ और उस परेशानी को निकालने का मैंने एक दूसरा माध्यम चुना है। और जो भी बीमारियाँ होती हैं, अगर आप किसी फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीमारियाँ होती हैं इसको हम लोग ऐसे ही सिर्फ एक दो लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस नहीं करते हैं। इनको डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच की जाती है और साथ ही मनोवैज्ञानिक जांच भी की जाती है कि हाँ, ये दिक्कत हो रही है, मन में दिक्कत हो रही है, सोच विचार में दिक्कत हो रही है या व्यवहार में दिक्कत हो रही है, और तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो संक्षेप में, डॉक्टर गूगल से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा कर उसको आत्मसात ना करें, बहुत ज़्यादा इन परेशानियों को ढूंढ ढूंढ करके चिंतित ना हो। अगर आप प्रतिदिन 1-3 घंटे तक ऐसी परेशानियों को सर्च करते हैं और लोगों से पूछते हैं और इन परेशानियों को आप दिन में कम से कम 5-6 बार से कई बार ज़्यादा अधिक बार चेक करते हैं और आप उन चीज़ों से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आपके डेली फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, उसमें इम्पेयरमेंट लाता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ एंजाइटी और साइबर कॉन्ड्रिया के अंतर्गत जा रहे हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपने मोबाइल का जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए लिमिट सेटिंग कर लीजिए कि हाँ, मैं प्रतिदिन आधा घंटा या 45 मिनट्स या 1 घंटा या बीच बीच अंतराल में इतने टाइम के लिए मोबाइल यूज़ करूँगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे परेशानियों के बारे में जानना है तो आप ऐसे साइट्स का उपयोग कीजिए जो कि गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड और एविडेंस प्रूफ साइट है। जैसे कि अगर आपको किसी दवाइयों के बारे में जानना है तो FDI का जो साइट होता है
वो ऑथेंटिक साइट है, आप उससे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। या आपको कोरोना के बारे में या और कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानना है तो आप एम्स के वेबसाइट पर जाइए, आप WHO के वेबसाइट पर जाइए, आप डिजीज़ कंट्रोल के वेबसाइट पर जाइए, किसी भी रैंडम वेबसाइट में आप किसी की बातों को या किसी के द्वारा बताए गए लक्षणों को आत्मसात मत कीजिए। और एक बात आपको और बता दूं कि लोग कहते हैं मैंने YouTube में ये पढ़ा है तो मुझे ये फॉलो करना चाहिए, YouTube में ये देखे थे, ये चीज़ परहेज करने से ऐसा होता है। YouTube की जानकारी जो होती है, हाँ जाहिर सी बात है इंटरनेट की ही जानकारी है, उसको ऐसे ही मान लेना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जब हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जब हम भी एग्ज़ाम देते हैं और जब हम किसी एग्ज़ाम का एक डेफिनेशन भी लिखते हैं तो हमसे पूछा जाता है उसका रेफरेंस क्या है। तो आप जो भी जानकारी YouTube से सुन के अपने व्यवहार में लेकर के आ रहे हैं, आप एक बार ज़रूर ऑथेंटिक रेफरेंस देखिए कि कौन से रिसर्च पेपर में, कौन से जर्नल में ये जो स्टडी है या जो टेक्निक बताई गई है वो प्रूव्ड है कि मैं उसको अपने व्यवहार में फॉलो करूं। साथ ही मोबाइल के लिमिट सेटिंग के साथ कोशिश कीजिए कि जब ऐसी परेशानी हो तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जाके बात करूं, अगर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डर लगता है, फिजिशियन के पास जाने से डर लगता है, तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जा करके पहले चीज़ों को का एक स्क्रीनिंग कर लूं। और इसके साथ कोशिश कीजिए कि आपका जो डेली फंक्शनिंग हो, मतलब आपके जो दिनचर्या हैं उसमें इतनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो कि आपको ऐसे तनाव वाली चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत ना हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, आपके अंदर अगर एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं, यानी छोटी चीज़ों को ज़्यादा नकारात्मक तरीके से आप आंकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये डर जो है इसको मैं नॉर्मलाइज करूं, क्योंकि यही डर आगे चल करके आपको गंभीर और मानसिक परेशानियों में लेकर के जा सकता है। तो याद रखिएगा, साइबरकॉन्ड्रिया अभी बहुत ज़्यादा कोरोना काल में इससे रिलेटेड केसेस देखे गए हैं और हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड ही ये एक परेशानी है, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, बल्कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपने व्यवहार को, अपने सोच विचार को इतना तर्कसंगत रखिए, अपने इमोशंस को इतने पॉजिटिव रखिए कि आप इन मानसिक परेशानियों के झमेले में ना पड़े, बल्कि खुशी से बाकी और जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे गुजारिए। नमस्कार।